नोवा कोशिया दिस इज वन ऑफ द अटलांटिक प्रोविंसेस इन कैनेडा जो सभी अटलांटिक प्रोविंसेस में से सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और इसकी कैपिटल हेलीफेक्स पूरे अटलांटिक कैनेडा का फाइनेंशियल हब है इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवा कोशिया के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में जिसके अंडर नोवा कोशिया प्रोविंशियल लेवल पे अपने कैंडिडेट्स को परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो में मैं सारे टर्म्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं ताकि ये वीडियो आपके लिए एक वन टॉप सोल्यूशन बन जाए नोवा कोशिया के प्री प्रोग्राम के बारे में तो बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बट उससे पहले प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन क्योंकि आने वाली वीडियो जो है वो कैनेडा के पी प्रोग्राम्स के बारे में ही होने वाली है तो नोवा तो स्कोशिया पी जिसे नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम बोलते हैं इसके अंदर दस तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी छः पॉपुलर स्ट्रीम्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं जो हैं नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंट्रप्रनोर इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन इन डिमांड और नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस स्ट्रीम्स इन सभी स्ट्रीम्स में अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है मतलब आपके कोई भी पैसा न लगेगा अगर आप इस स्ट्रीम्स के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं हमारी पहली स्ट्रीम की वो है लेबर मार्केट प्रायोरिटीज तो जो ये स्ट्रीम है इससे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के थ्रू सिलेक्ट होते हैं अब ये क्या होता है फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं जैसे आपका नाम एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसिस आप कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग कैसे भी मतलब साइंस कैसे आप बिलोंग कहाँ से आप करते हैं और वन मोर थिंग अगर आप जब आप अपने एजुकेशन सारे क्रिडेंशियल अपलोड करेंगे प्लीज मेक श्योर अगर आपकी डिग्री कैनेडा के बाहर की है तो उसका आप ईसीए करवा लें इसलिए मतलब एजुकेशन क्रिडेंशियल असेसमेंट जो आप वेस के थ्रू करवा सकते हैं वेस इज बेट वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज इसमें क्या होता है ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है सो तो आपके सारे एजुकेशन क्रीडेंशियल्स को इवेल्यूएट करके कैनेडा के इक्विवलेंट आपकी डिग्री को अप्रूव करती है मतलब अगर आपने इंडिया में बी टेक किया हुआ है और आपका जो यहाँ का बी टेक होगा वो इक्विवेलेंट होगा आफ्टर वेस्ट अप्रूवल तो ये करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का उसमें आपको प्रोविंसेस सिलेक्ट करने होते हैं कि आप कौन से प्रोविंसेस में रहना पसंद करेंगे क्योंकि फेडरल तो ओवरऑल पूरे कंट्री बेसिस पे होता है ना जिसमें आपको एक प्रोविंस सिलेक्ट करना होता है वो आपकी मर्जी है आप नोवा स्कोशन सेलेक्ट कर रहे हैं या सारे प्रोविंसेस सेलेक्ट कर रहे हैं जो भी आपको प्रोविंसेस आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी आप उनको टिक कर सकते हैं तो ये होता है उसके बेसिस पे आपको एक सीआरएस स्कोर मिलता है एंड में जो आपको कुछ भी हो सकता है टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड वो सीआरएस स्कोर आपका कुछ भी हो सकता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपको अपनी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जरूर बनानी है नहीं 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 सब रैपअप नहीं हो गया है मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करके ये बोल रही हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज 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 मेक श्योर sure कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस भी करो नहीं तो आप मेरी आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को मिस कर दोगे और मेक श्योर sure कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप मेरी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम वाली वीडियोस को भी देखो जिसमें आपको इजीली पीआर मिल सकती है जस्ट विद अ जॉब ऑफर नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड तो उसे भी मत मिस करना अगर आपने मिस कर दिया है तो फिर आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है एलिजिबिलिटी की, की तो इसकी सबसे पहली एलिजिबिलिटी है आपको नोवा स्कोश इमिग्रेशन से आपके पास लेटर ऑफ इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए अब वो आपके पास कैसे आएगा तो जब हम बात करते हैं फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने की उसी के अंडर अगर प्रोविंस को लगता है मतलब नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन को लगता है कि येस हमें इस कैंडिडेट की जरूरत है तो वो आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट इशू करते हैं तो यहां ये दोनों चीजें कनेक्ट करती हैं तो जब वो आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट शुरू करते हैं तो ही आप आगे अपनी फर्दर एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं एंड जस्ट मेक श्योर कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद आपको विद इन थर्टी डेज जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसेस करनी है तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है दूसरा okay. आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना okay. है बट उसके लिए मेक श्योर sure कि जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन हो वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो आपकी कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए और उस पर कंपनी की स्टैंप लगे होनी चाहिए और आपको अपने से किन-किन चीजों की जरूरत है वो आप अभी आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं वीडियो को पॉज करके आप इनको एक बताने के लिए कि आपको, इन इन की जरूरत है। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है जिसकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो एटलीस्ट दो साल तक मिनिमम होनी चाहिए फ्रॉम द डेट यू आर एप्लीकेशन उसके बाद आपको करंट डॉक्यूमेंट दिखाना है जो भी आपका वर्क परमिट है स्टडी परमिट है वो आप उन्हें दिखाएंगे इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए आपका सीएलबी स्कोर सेवन होना चाहिए उसके बाद आपको फंड्स देने हैं। फंड्स के लिए सबसे पहले तो आपको लास्ट तीन महीने की अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट देनी है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए और जो भी उस करंट टाइम का लो इनकम कट ऑफ चल रहा है वो बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए जो अभी का है वो आप अभी करंट जो है वो आप अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज आप जब भी अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम पे आप इसे चेक कर सकते हैं

अगर आप और भी डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन गाइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक बार आप उसे पढ़ लीजिएगा ऑन योर सेफर साइड तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जस्ट मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो क्योंकि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर रहे हैं तो पांच साल के लिए आप डिस्कालीफाई हो जाओगे आप किसी भी पीएनपी प्रोग्राम में अपनी फाइल अपलोड नहीं कर पाओ अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में जो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट ऑन्ट्रप्रनोर जो बेसिकली उनके लिए है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनका विजन बहुत क्लियर है कि उन्होंने आगे जाकर बिजनेस ही करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लेट्स क्विकली जंप टू दैट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट कि आपकी प्योर इंटेंशन है कि आपको नोवा स्कोशिया में ही रहना है और आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो एटलीस्ट आपको ऑपरेट करते हुए मैनेज करते हुए एटलीस्ट एक साल का टाइम जो है वो हो चुका होना चाहिए अगर आप फुली उसमें ऑनर नहीं है तो मिनिमम आपकी ऑनरशिप थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट की होनी चाहिए देन क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑनट्रप्रोर्स के लिए है तो आपको किसी भी नोवा स्कोशिया बेस्ड यूनिवर्सिटी या फिर कम्युनिटी कॉलेज से एटलीस्ट दो साल का प्रोग्राम या दो साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें यू शुड बी एनरोल्ड एज अ फुल टाइम स्टूडेंट और आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं इन पर्सन क्लासेस ही होनी चाहिए देन आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी आपका अगेन जिस आप जो प्रोविंस है जिसमें आप रहना चाहते हैं वो आपका इनोवा स्कोशिया होना चाहिए एल ओ आई जिससे हमने पिछले स्ट्रीम में डिस्कस किया आपके पास वो NLOI जो है वो इमिग्रेशन से के पास से रिसीव हो जाना चाहिए आपकी मिनिमम एज ट्वेंटी वन ईयर्स टू फिफ्टी फाइव ईयर एंड आपका सी एल बी स्कोर सेवन ये आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले वाली स्ट्रीम से लगभग लगभग सेम है बट कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर जो घुमा फिरा के उन्होंने अपनी एप्लीकेशन गाइड में सेम चीज ही बोली हुई है कि एक तो फ्रॉड नहीं मतलब आपका जो है सर्विस बेस्ड बिजनेस होना चाहिए जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा ना हो कि ये बिजनेस आपने सिर्फ अपने इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए रखा हो ऐसा नहीं होगा एंड अगेन अगर आप कुछ ऐसा झोल करने की कोशिश कर रहे हो और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो पाँच साल के लिए आप किसी भी पी स्ट्रीम से डिस्कवालीफाई हो ये भी याद रखना ये बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए और जो कनेडियन टैक्स रेगुलेशन एक्ट है 1985 का उसके अंडर रजिस्टर होना चाहिए मतलब अपनी टैक्स वगैरह फाइल भी आप कर रहे हो उसके अंडर नाउ एप्लीकेशन गाइड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी डॉक्यूमेंटेशन बाकी के लगभग लगभग सेम है आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं और जो थोड़े उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं कि बेसिकली वो फ्रॉड से रिलेटेड है उनको आप वीडियो को पॉज करके अभी पढ़ लेना या फिर स्क्रीन ले लेना तो हम अपने नेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं जो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स इन डिमांड ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली अभी इन डिमांड uh, जो जॉब uh, है वो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं ये चार तरह की जॉब्स है अभी जो पैरामेडिक ऑक्यूपेशन हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं नर्स एड्स हैं और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स हैं इसके लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ऑल यू नीड इज जॉब ऑफर टू मेक एन एप्लीकेशन अब हम फटाफट फ़ड़ से बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो जो भी आपके पास जॉब ऑफर है वो फुल टाइम और परमानेंट जॉब का होना चाहिए आपकी एज 19 ईयर ओल्ड से 55 फाइव ईयर ओल्ड के बीच में होनी चाहिए जो आपकी एजुकेशन हुई है वो एप्लीकेशन अप्लाई करने से पिछले तीन सालों के बीच में होनी चाहिए जिसकी मिनिमम प्रोग्राम लेंथ आपकी 30 वीक्स की है और एटलीस्ट 50 परसेंट आपका कोर्स आपका नए नोवास कोशिया में ही किया होना चाहिए देन जो that. भी सर्टिफिकेशन या डिग्री है आपके पास वो नोवा कोशिया रेगुलेटरी बॉडी के ही थ्रू होनी चाहिए सीएल स्कोर आपका फाइव और आपके पास सफिशियंट फंड होने चाहिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो so डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आपका पासपोर्ट विद एटलीस्ट टू इयर्स ऑफ वैलिडिटी, देन अ जॉब ऑफर और एक एनएसएनपी टू हंड्रेड फॉर्म होता है दैट हैज टू बी फिल्ड बाय योर एम्प्लॉयर देन आपके जो भी सर्टिफिकेशंस एजुकेशन ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आप सबके सब सबमिट कर सकते हैं CLB स्कोर मतलब आयल्स का पेपर आपको दे जिसमें CLB स्कोर एटलीस्ट फाइव हो स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी आपके वो आयल्स के कितने मार्क्स बनते हैं देन आपका करंट इमिग्रेशन स्टेटस वर्क परमिट पे है तो वो आपको वर्क परमिट देना है स्टडी परमिट पे है तो स्टडी परमिट देना है एंड देन आपका स्पाउस है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट देन प्रोवाइड करना है आपको देन आपके सफिशियंट फंड होने चाहिए फंड के साथ सिंपल है कि आपका तीन महीने की बैंक स्टेटमेंट और जो भी लो इनकम कट ऑफ है वो बैलेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए इसके बारे में भी अगर आप और जानना चाहते हैं तो एप्लीकेशन गाइड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है अब हम बात करते हैं स्किल वर्कर प्रोग्राम के बारे में तो जो ये प्रोग्राम है ये हेल्प करता है फॉरेनर वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो जॉब लेने के लिए जिन स्किल्स की नोवा कोशा में बहुत ज्यादा जरूरत है ऑलसो एम्प्लॉय तभी इंटरनेशनल स्टूडेंट और फॉरनर वर्कर्स को ये जॉब दे सकते हैं जब दे आर नॉट एबल टू फिल दिस पोजिशन विद कनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में तो एलिजिबिलिटी मोटी मोटी सेम है कि आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय होनी चाहिए परमानेंट आपकी एज ट्वेंटी वन टू फिफ्टी फाइव ईयर्स के बीच में होनी चाहिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल डिप्लोमा होनी चाहिए एंड द ओनली डिफरेंस कम्स हेयर की एक्सपीरियंस के बारे में कि अगर आपकी जॉब टीयर कैटेगरी जीरो वन टू और थ्री में है तो आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस एक साल का होना चाहिए अगर आप टीयर कैटेगरी एंड के अंदर जॉब जॉब कर रहे हैं तो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस महीने का होना चाहिए सेम स्कोर अगर आपकी कैटेगरी में है तो सीएल स्कोर फाइव होना चाहिए और अगर आपकी जॉब टीयर कैटेगरी फोर एंड फाइव में है तो आपका सीएलबी स्कोर फोर होना चाहिए और सफिशियंट फंड होने चाहिए लास्ट में तो मोटा मोटा यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में डॉक्यू डॉक्यूमेंट्स भी इसके लगभग लगभग सेम है पासपोर्ट होना चाहिए आपका जॉब ऑफर होना चाहिए एन एस एन पी फॉर्म देट हैजू बी फिल बाय्प्लॉयर कुछ अदर डिटेल्स जो आपको एम्प्लॉयर से लेनी है वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते होंगे देन आपको अपनी एजुकेशन सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं कुछ सर्टिफिकेट जो आपने स्पेसिफिकली जॉब के लिए कुछ सर्टिफिकेशन लिए हैं वो आपको प्रोवाइड करने हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के लिए जो आपने टेस्ट दिए हैं उसके रिजल्ट आपको प्रोवाइड करने हैं एंड देन योर सफिशियंट फंड तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में जो है ऑक्यूपेशन इन डिमांड सो दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज ये जो है जो भी लेबर मार्केट इन डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है एज पर नाउ ये अभी आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ ऑक्युपेशन जो अभी डिमांड में है अगर आप इन जॉब्स के अंडर काम करते हैं इस प्रोफेशन में है तो आप इस कैटेगरी के अंडर अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं अब हम फटाफट से बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ये जो प्रोग्राम है बेसिकली टीयर कैटेगरी थ्री फोर एंड फाइव को टारगेट करता है इसके लिए सी एल बी स्कोर फोर चाहिए और सफिशियंट फंड होने चाहिए बाकी ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज केम एज स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम फिर भी एप्लीकेशन गाइड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम के बारे में जो है नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है अमंग ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑल पीपल हु हैव नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस तो इस प्रोग्राम की फटाफट से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक फुल टाइम पोजीशन भी हो पार्ट टाइम हो तो भी चलेगा बट पोजीशन परमानेंट होनी चाहिए तो ऐसे कि अगर आप फुल टाइम फुल टाइमर हो फुल टाइम काम कर रहे हो तो थर्टी वीक्स थर्टी आवर्स पर वीक्स आपके पास होने चाहिए एक साल के अंडर अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो फिफ्टीन आवर्स पर वीक होने चाहिए एटलीस्ट आपके पास लास्ट टू ईयर्स के अंडर तो टीयर कैटेगरी जो भी आपकी जॉब है दैट शुड बी इन टीयर कैटेगरी जीरो वन टू एंड थ्री जो सीएल स्कोर है इसके अंडर सेवन रहता है पर एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि ये आपका पूरा एक्सपीरियंस नोवा स्कोश एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी एजुकेशन मिनिमम हाई स्कूल डिप्लोमा और आपकी एज 21 वन टू फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड के बीच में होनी चाहिए इस, इस फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी दे सकते हो जिसमें आपका वर्क परमिट आता है कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी जितनी भी पेमेंट स्टब्स हैं वो आती हैं और लास्ट में लेटर ऑफ रेफरेंस आता है लेटर ऑफ रेफरेंस बेसिकली एम्प्लॉयर आपको देता है बना के जो कि लेटर हेड पे होना चाहिए और स्टैम्प्ड और साइन होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर के द्वारा और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि हाँ आपने कितने टाइम काम किया है आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये कितने आवर्स आपने काम किया है ये भी मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा सकती हूँ आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा तेन आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हो कि आप ये ये चीज़ें आपको उनकी साइड से चाहिए डॉक्यूमेंट्स इसमें लगभग लगभग सेम रहेंगे बस एक डिफरेंस है आपका सीएलबी स्कोर के बारे में कि अगर आपकी जॉब टीयर कैटेगरी जीरो एंड वन में है तो योर सीएलबी स्कोर शुड बी सेवन और अगर आपकी जॉब टीयर कैटेगरी टू एंड थ्री में है तो आपका सीएलबी स्कोर फाइव होना चाहिए सिर्फ ये एक डिफरेंस है ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयर और आपकी साइड से सेम रहेंगे इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एड की होगी तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन इससे आपका कुछ नहीं होता पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है सो थैंक यू सो मच